और जशपुर जिले में प्राथमिक शाला जंगलपारा के सरकारी स्कूल का भवन जर्जर होने से शिक्षक अपने निजी खर्चे पर किराए के मकान में छात्रों को पढ़ाने को मजबूर है। यहां बीते 4 साल से स्कूल का भवन जर्जर होने के चलते किराए के मकान में छात्रों की पढ़ाई चल रही है। शिक्षकों और छात्रों ने कई बार प्रशासन से स्कूल के भवन के मरम्मत की गुहार लगाई, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई भी कार्यवाही की ही नहीं गई है। ये शासकीय प्राथमिक विद्यालय जंगलपारा है, उसमें काफी जर्जर भवन है। जर्जर भवन है तो वहाँ पे क्लास लगाया नहीं जा रहा है, तो क्लास तो किसी किराए के मकान में लगाया जा रहा है। और इसके लिए इस्टीमेट बनवा के हम लोग भेज दिए हैं जिला कार्यालय को, जैसे स्वीकृत हो जाती है तब तो निर्माणाधीन चालू हो जाएगा। बीते 4 साल से हो रहा है, दलदल है स्कूल पूरा, इसीलिए बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कभी बना नहीं रहे हैं। तो बोले कि तेरे घर में ही पढ़ाएंगे, तो किराया बोले किराया देते हैं, कहीं धीरे जनपति धीरे 2,000 देते हैं महीने का। जनप्रतिनिधि होते होने के नाते हम लोग शासन को कई बार हम लोग जन अभी भी शिविर लगा था उसमें भी दिए थे, और बहुत बार जब भी मुख्यमंत्री के दौरा होता है तब भी देते हैं, लिख के देते हैं, लेकिन कभी भी प्राथमिक शाला जंगल पर का स्कूल का कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके वजह आज स्कूल संचालन एक मतलब कि घर के मकान में, किराए के मकान में 4 वर्ष से पश्चिम में पढ़ा रहे हैं। इस स्कूल के जो प्रधान पाठक, उनसे बात करते हैं कि आखिर जो स्कूल है जो किराए के मकान में संचालित करने की इनको नौबत क्यों आई। मेरे साथ ये स्कूल के प्रधान पाठक है। सर बताइए कि स्कूल का जो स्थिति ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्या वजह है? प्राथमिक शाला हमारा भवन बहुत जर्जर हो चुका है, जिस कारण से हमें बच्चों की भविष्य को देखते हुए आज किराए की मकान में संचालित करना पड़ रहा है प्राथमिक शाला को। कितने वर्षों से स्कूल को किराए के मकान में संचालित कर रहे हैं? सन 2021 से अभी 4 साल होने को जा रहे हैं। आखिर ये जर्जर स्कूल होने के बाद आपने किसी शासन प्रशासन को लिखित शिकायत किया कि? जी हाँ, अपने विभाग को, शासन को हमने कई बार अवगत कराया है, लेटर लिख करके, लेटर के माध्यम से, और आज तक जो है ना इसका कुछ कार्यवाही तो नहीं हो पाया। कई बार स्वीकृति आया और वापस हो गया है। सर स्कूल भवन नहीं है आप लोग के पास, कितने परेशानी हो रही है आप लोगों को? देख ही रहे हैं सर, ऐसे हॉल में बैठा पढ़ा रहे हैं सभी बच्चों को, और पढ़ाने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि एक एक साथ पूरे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। और इसमें क्या है कि अब पांचवी कक्षा पढ़ाओ तो पहली वाला चिल्ला रहे हैं, पहली वाला चिल्लाओ तो पांचवी वाला पढ़ा, देख रहे हैं, ये सबसे बहुत परेशानी है। पश्चिम में संचालित कर रहे हैं, बारिश के दिनों में उस कैसे समस्या सामना करना पड़ रहा है? बारिश के दिन बहुत दिक्कत हो जाता है, कि बारिश में ऐसा हो जाता है कि पानी पूरा आता है अंदर तक के, तो कभी कई कई दिन ऐसे हो जाता है कि बच्चों को अंदर अंदर बैठाने की कोशिश करते हैं, घर वाला रहते हैं तो बन जाता है, नहीं तो फिर तो छुट्टी करना स्थिति बन जाती है, ऐसे रहते हैं। स्कूली छात्रा है, उनसे बात करते हैं कि आखिर जो स्कूल नहीं होने के बाद से इनको कितने परेशानी होते हैं। बताओ गुड़िया कि स्कूल नहीं है आप लोग के पास, क्या हो गया स्कूल का आप लोग का? हम लोग का स्कूल गिर रहा है, और बारिश के दिनों में स्कूल से पानी चूता है छत से। आप लोग को परेशानी होती है, क्या हाँ, चाहते हैं आप? हम लोग का स्कूल जल्दी बन जाए। कितने सालों से यहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग चार किराए में? साल से सर लोग अच्छा पढ़ाते हैं आपको? एनडीटीवी के लिए जसपुर से अभिषेक शुक्ला।